तेजी और दारू पर आप बहुत किससे लेंगे नहीं तेजी। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट कश्मीर से भी ज्यादा बदतर स्थिति, और नक्सलियों से भी ज्यादा बदतर स्थिति आज बिहार की है, जहां अपराधियों का नंगा नाच हो रहा। मैं उम्मीद करता हूं अविलंब इसकी पटना हेडक्वार्टर से एक न्यायिक जांच, SIT की जांच हो कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किसी पीछे से और बड़े लोगों का हाथ तो नहीं है, किसी की भूमिका तो नहीं है। दूसरा, 3 महीने के अंदर SPD ट्रायल करके अविलंब उसको फांसी की सजा दी जाए, उस परिवार को सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा, नीतीश कुमार जी, लगातार आपकी पुलिस आतंकवादियों से ज्यादा खराब रोल कर रही है। मुंह में राम बगल में छुरी, नीतीश कुमार भीतर कुछ बाहर कुछ। हम जानना चाहते हैं सीतामढ़ी के परिहार में BJP के विधायक और पूर्व विधायक ने जिस तरीके से एक धर्म विशेष लोगों के मोहल्ले में जाके गाली गलौज, गोली मारो सालों को, निकलो गद्दारों को, मारो मार तो गाली, मतलब लैंग्वेज का पूरा वायरल है। आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, आप दंगा फैलाना चाहते हैं, आपकी सरकार के जो पार्टनर है वो बिहार में दंगा पैदा करना चाहते हैं, मेरा सीधा आरोप। दूसरा, औरंगाबाद में आपकी पुलिस घर ढूंक ढूंक करके मारती है, घर ढूंक ढूंक गाड़ी को चूर कर देती है। ये उत्तर प्रदेश नीतीश जी नहीं है कि 50 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हमले हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। कल 20 जगहों पर, 20 जिले में इंटरनेट बंद था। आतंक और आतंकवादियों का राज है उत्तर प्रदेश में, आतंक का माहौल है। पूरे देश में कहीं भी दंगा नहीं हुआ, अमन चैन से अधिकार और भारत बचाने और देश के संविधान की रक्षा की आवाज़ उठ रही है सभी जगह। सारे साहित्यकार, सामाजिक लोग सड़कों पर हैं। उसके बाद आपके बिहार में पुलिस की गुंडई जिस तरीके से औरंगाबाद में देखने को और सीतामढ़ी में देखने को मिला, अन्य जगहों पर, और आपके घटक दल लगातार दंगा पैदा करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी, आपको रिजाइन करना चाहिए, और इस जो लगातार धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में गोली चलवा रही हो और बिहार में धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात कर रही हो और आप कार्रवाई तक नहीं करते, इसलिए आप नंगे हो चुके हैं। आप बिहार की जनता एक मिनट भी आपको देखना नहीं चाहती। मैं औरंगाबाद के पुलिस पर इंक्वायरी की मांग करता हूं, वहां के पदाधिकारी पर, वहां के सीनियर पदाधिकारी पर, और जो इसमें दोषी हैं उसको सजा दी जाए। सीतामढ़ी परिहार के विधायक और पूर्व विधायक पर हम अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हैं कि अविलंब यदि आप गिरफ्तार नहीं किए और पुलिस की गुंडई जारी रही तो 4 तारीख के बाद पटना में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करेंगे। इस पुलिस की गुंडई और इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके देश बंटवारे और आम आदमी को मारने की लड़ाई हमारी आर पार की है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नीतीश कुमार जी, तीसरा मेरा सीधा है, बालू आप आम जनता पर बोझ बन चुके हैं, अब आपको आम जनता किसी भी परिस्थिति में रखना पसंद ही करती है।